नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ए आर होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन सी प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ तो 88 वर्ग जो बनी हुई है, जैसे कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, दो यूनिट हमारे द्वारा बनाए गए थे जिसमें से एक यूनिट सोल्ड आउट है और एक यूनिट यहाँ पर बचा हुआ है, जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। और बात की जाए अगर कॉलोनी की, तो मनसा नगर के नाम से कॉलोनी होने वाली है और सिरसी रोड पे लोकेटेड है। JDA अप्रूव्ड होने वाला है और यहाँ पर 17.6 का जो है फ्रंट आपको मिल जाता है। फ्रंट बहुत ही प्यारा होने वाला है, साथ ही आप इजीली अंदर की साइड में अपनी कार भी पार्क कर सकते हैं। आसपास का पूरा ही सराउंडिंग एरिया देख लीजिए, किस तरीके का आसपास का पूरा ही सराउंडिंग एरिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा पूरा ही हरा भरा और पूरा ही भरा भरा सा ये कॉलोनी का सराउंडिंग एरिया आपको दिख रहा होगा। आप देख चुके हैं इसका फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर है। और बाहर से देख रहे हैं ये बर्म का एरिया आ जाता है यहाँ पर। अंदर इससे बर्म से होते हुए अंदर की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो डोर दिया गया है बाहर की साइड में आपको मेन एंट्रेंस में, वो आयरन का काफ़ी हैवी डोर यहाँ पर आपको मिल जाता है और डिज़ाइन जो है बहुत ही प्यारा सा मिल जाता है यहाँ पर आपको। यहीं से होते हुए हम लोग आगे हैं इस पॉर्च के अंदर। और पॉर्च के अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इजीली आपकी सेडान कार तक पार्क कर सकते हैं आप। यहां पर आपको वाटर टैंक प्रोविजन मिल जाता है जो कि 6 से 7 हज़ार कैपेसिटी का है। इस साइड में आपको मिल जाता है इसका लोबी का स्पेस जहां पर आप गमले वगैरह लगा सकते हैं, साथ ही वॉशिंग एरिया की तरह इस जगह को आप यूज़ ले सकते हैं। मकान की आप हाइट देख लीजिए, कितनी अच्छी हाइट आपको दी गई है, साथ ही ऊपर की साइड में आपको जो है यहाँ पर वुडन का टेक्सचर दिया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी सी विंडो दी गई है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही इस तरफ में आपको मिल जाता है ये आपको वायर मैश डोर, जो कि आपको टफन ग्लास के साथ में आपको लगा करके दिया गया है। अगर आप इसे बंद रखते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी होता रहता है, सनलाइट भी आती रहती है, लेकिन मच्छर मक्खी वगैरह ऐसी चीज़ आपके घर के अंदर नहीं आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेंगू अभी जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इस डोर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हम लोग आ गए हैं हॉल के अंदर, लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन तो पहले पाने के लिए। अच्छा एक आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं तो JKS आर्किटेक्ट, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। और हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर इस घर का भी नक्शा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हॉल में प्यारा सा डिज़ाइन मिल जाता है वुडन का, चाहे हम कहें चाहे लाइटिंग का कॉम्बिनेशन कहें या फिर कहें वॉलपेपर, सच में बहुत ही प्यारा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहाँ पर प्यारा सा फुल सीलिंग का डिज़ाइन, साथ ही आपको जो है फैंसी लाइट्स यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है। और यहाँ पर आपको सीलिंग फैन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जो यहाँ पर आपको पिंक कलर का शेड आ रहा है ऊपर, वो सच में चार चांद लगा देता है इस पूरे ही हॉल की खूबसूरती को। सामने की तरफ देखेंगे LED पैनल यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहाँ पर अपना जो है 44 इंच तक का LED इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सनमाइका का काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के है, नीचे की साइड में जो भी आपका डेकोरेटिव आइटम है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। हॉल के साथ और क्या कुछ मिलने वाला है तो ये आप देख लीजिए इस साइड में, यहाँ पर पूरे पे है आपको मिल जाता है वार्डरोब का स्पेस, जो कि इसके स्टेयर्स के नीचे आपको प्रोवाइड कराया गया है। साथ ही आपके जो भी डेकोरेटिव आइटम है इन जो नीचे छोटे छोटे से होल्स बना करके दिए गए उसमें आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके वॉश बेसिन का एरिया, सामने की साइड में बड़ा सा मिरर जहाँ से अपने आपको ड्रेसअप कर सकते हैं, सारी ही चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा पहले इसका बाथरूम, जो कि उस साइड में आपको प्रोवाइड कराया गया है। पूरा ही घर वास्तु के हिसाब से है, देखिए यहाँ पर जो वुडन की स्ट्राइप लगा करके दी गई है, सच में इस घर की हॉल की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसके कॉमन बाथरूम की ओर, जो कि 6x8 के स्पेस में मिल रहा है। इंडियन शीट यहाँ पर आपको मिल जाती है, सामने के साइड में वेंटिलेशन का ऑप्शन, साथ ही सनलाइट यहाँ से हो रहा है और ये आ जाता है इसका शावर का एरिया। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसे किचन की ओर, उसका किचन दिखाऊंगा, जो कि इसका फुली मॉडुलर किचन यहाँ पर आपको दिया गया है। लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा मेन एंट्रेंस पर किस तरीके का आपको डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है। देखिए ग्लास के साथ में वुडन का वर्क करके दिया गया है, सच में बहुत ही प्यारा सेल्फ डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और वुडन जो है यहाँ पर डोर का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है आपका जो है एल शेप में किचन, जो कि काउंटर टॉप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेनाइट लगा करके दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिल जाती है बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होता रहेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है। ऊपर की साइड में जो वो देख रहे हैं आप, वो छोटा सा होल ग्लास के बीच में है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है आयरन का जो फ्रेम बना करके दिया है कि उसमें ग्लास ना हो। आपने बहुत सारे में देखा होगा कि ग्लास तो काट देते हैं लेकिन आउटर पॉइंट नहीं निकल पाता, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको पॉसिबल है, आप आराम से कर सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है ये पूरा कैबिनेट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो है चिमनी इंस्टॉल्ड हो जाएगा, नीचे की साइड में भी आप देखेंगे सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपको ड्रॉर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्रिज रखने का जो है ऑप्शन, 7x11 के स्पेस में आपको किचन दी गई है, सच में प्यारा साइज यहाँ पर आपको किचन का मिल जाता है। नीचे की साइड में आपको दिया गया एक रूम, ऊपर की साइड में आपको दो रूम्स अवेलेबल हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। हम लोग आ गए फर्स्ट बेडरूम की ओर, 10x13 का साइज यहाँ पर आपको इस बेडरूम का मिल जाता है। सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर जो वॉलपेपर लगा करके दिया गया है
वो एक अलग ही तरीके का वॉलपेपर आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कोई मतलब मार्बल का या फिर कोई टाइल्स वर्क करके दिया गया, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये यहाँ पर आपको प्यारा सा एक वॉलपेपर है। पीछे की तरफ आप जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो वुडन का वर्क करके दिया गया है, जैसे कि बेड के हेड पे आप देखेंगे तो प्यारा डिजाइन आपको जो है वुडन का मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइटिंग का कॉम्बिनेशन सच में बहुत प्यारा। ऊपर की तरफ मैं अगर बात करूँ तो पूरे ही घर में जो है आपको एक थीम दी गई है जो कि पिंक कलर की है। और इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर पूरी ही वॉल पे आपको वार्डरोब मिल रही है। आपका जो भी सामान हो आप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं, जैसे कि आपके सर्दियों के कपड़े हैं, गर्मियों के कपड़े हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। पीछे की साइड में आपको मिल जाता है ऐसा कटआउट का ऑप्शन, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होगा। ये आ जाता है इसके कटआउट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर अगर साइज की बात करूँ तो 5x6 के साइज में ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है। ऊपर की साइड से प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको गेज बना करके दिया गया है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे और प्रॉपर सनलाइट यहाँ पर आती रहे। तो ये आपने देखा इसके पीछे का बैकयार्ड का एरिया, जो कि वॉशिंग एरिया की तरह भी आज इसे यूज ले सकते हैं। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और यहीं से जो रास्ता है इसके उसके रूफ पर जाता है। मैं आपको पहले लेकर के चल रहा हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पर। देखिए ग्रेनाइट का यूज यहाँ पर जो स्ट्रेस पे भी करके दिया गया है, साथ ही रेलिंग की अगर बात करूँ तो SS का यूज यहाँ पर रेलिंग पे करके दिया गया है। अभी फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे। अंदर से स्टेयर्स होने का फायदा ये होता है कि वहां पर आपको दो हॉल्स अवेलेबल हो जाते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक फर्स्ट फ्लोर पर। अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम वगैरह है, ओकेशन है, मेहमान ज्यादा आ गए हैं, तो उनको आप हॉल में भी स्टे करवा सकते हैं। 10x14 के साइज में ये मिल जाता है इसका हॉल। सामने की साइड में आ जाता है यहाँ पर, देख रहे हैं वॉलपेपर का डिजाइन। ऊपर की साइड में आप देखेंगे आपको स्ट्राइप लगा करके दी गई है, वुडन की लाइटिंग का काम है, और साथ ही ऊपर प्यारा सा फुल सीलिंग का डिजाइन जो कि गोल्डन और साथ ही पिंक कलर के शेड में आपको मिल रहा है। ये रास्ता आपको उसके रूफ पर लेकर के जाता है, वहां पर भी आपको जो है आपका शैंडलियर लगा सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबल है। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसका सेकंड बेडरूम की ओर, जो कि इसका मास्टर बेडरूम है। और ये दो बेडरूम मास्टर बेडरूम यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 10x13 का साइज। सामने की साइड में देखेंगे यहाँ पर भी देखिए वुडन पे लाइटिंग का कितना प्यारा सा वर्क करके दिया गया है। एसी का सेपरेट पॉइंट, जिस जगह पर भी जरूरत है एसी के पॉइंट्स की वहाँ पर आपको एसी के पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऊपर आप देख लीजिए फॉल सीलिंग का प्यारा सा डिजाइन आपको दिया गया है, साथ ही सीलिंग फैन का ऑप्शन अवेलेबल है। एक वॉल पे आपको वॉलपेपर लगा करके दिया गया है। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वार्डरोब का स्पेस, साथ ही यहाँ पर मिल जाता है ड्रेसिंग एरिया। देखिए आपने अपने बारे में, अपनी फैमिली में किसी के बारे में सोचा हो, लेकिन लेडीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए उनको एक जगह चाहिए होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ सामने की तरफ देखेंगे इस साइड में आ जाता है इसके बाथरूम का स्पेस, और स्पेस की अगर मैं बात करूँ 6x8 का साइज मिल रहा है। यहाँ पर वॉश बेसिन आ जाता है। इस साइड में अगर बात करूँ वहाँ पर वेंटिलेशन का ऑप्शन, यहाँ पर आपको वेस्टर्न शीट दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर WC जो है बढ़िया कंपनी की लगा करके दी गई है। ये फिर से इसके कटआउट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। प्रॉपर हैवी आपको जो है गेज लगा करके दिया गया है, तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से इस जगह को यूज़ में ले सकते हैं। अभी यहीं से होते हुए मैं इसके थर्ड बेडरूम के लेकर तरफ लेकर के चलूँगा, जो कि इसका थर्ड और लास्ट बेडरूम है। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये आ गया इसका लास्ट बेडरूम। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ यहाँ पर 11x11 का होने वाला है। ये भी एक मास्टर बेडरूम है, और सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो वॉलपेपर का डिज़ाइन है, साथ ही वुडन का प्यारा सा वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है। वुडन की स्ट्राइप आपको लगा करके दी गई है। JDA अप्रूव्ड होने वाला है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो पहले आप फुल सीलिंग देख लीजिए, कितना प्यारा फुल सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। प्राइस होने वाला है यहाँ पर इसका 53 लाख रुपये इसका प्राइस होने वाला है। JDA अप्रूव्ड है, 88 वर्ग गज के अंदर बना हुआ है, और साथ ही बहुत ही प्यारा फ्रंट यहाँ पर 17.6 का फ्रंट मिल जाता है। सामने की तरफ देखेंगे विंडो का प्रोविजन आपको प्रोवाइड कराया गया है। डायमेंशन अगर बात करूं तो 17.5x44 का यहां पर जो है आपको मिल जाता है इसका डायमेंशन। यहां पर पीछे की साइड में आपको ये इसका ड्रेसिंग एरिया प्लस यहां पर वार्डरोब आपको बना करके दी गई है। यहां पर आपको मिरर मिल जाता है, जैसे कि सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, अपने आपको ड्रेसअप आप कर सकते हैं। ये आ जाती है इसकी वार्डरोब, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है। वार्डरोब का भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है। साथ ही ये जो एरिया है ये आ जाता है इसके बाथरूम का स्पेस, जो कि इस साइड में आपको दिया गया है। यहाँ पर वेस्टर्न शीट आ जाती है। ये आ जाता है शावर एरिया, उस साइड में वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। दो यूनिट्स बनाई गई थी बिल्डर के माध्यम से, एक सोल्ड आउट है, एक बची हुई है। और बता दूं कि ये जो है सबसे प्यारा मकान होने वाला है 88 वर्ग गज में बना हुआ, जो कि आपके सिरसी रोड पे लोकेटेड है, मनसा नगर के नाम से कॉलोनी होने वाली है। प्यारा सा आपको साइज मिल जाता है यहाँ पर बालकनी का। बालकनी के साइज की बात करूँ 12x4 का साइज बालकनी का मिल जाता है। ऊपर के साइड में आप देखेंगे प्यारा सा लाइटिंग का वर्क है, साथ ही आपको वुडन का जो है यहाँ पर टेक्सचर करके दिया गया है। आसपास का सराउंडिंग है यहाँ से भी देख लीजिए आप, और भी कुछ नए विलास बन रहे हैं, जैसे कि आपको आसपास में दिख रहा होगा। पूरा ही डेवलपमेंट यहाँ पर अभी
हो रहा है और भी ज्यादा हो रहा है और जो है फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होने वाली है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।